ओके सो गाइस सैमसंग अभी एम स्मार्टफोन सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी में है और सैमसंग की एम स्मार्टफोन लाइनअप्स का ये स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M53 5G होगा जो लास्ट ईयर वाले सैमसंग गैलेक्सी M52 5G का सक्सेसर होगा। तो गाइस इस स्मार्टफोन को गीक बेंच की साइट पर भी लिस्ट किया जा चुका है, इसके गीक बेंच स्कोर सामने आ चुके हैं। इसी के साथ में इसकी लिस्टिंग के दौरान इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं और ये स्मार्टफोन अगले कुछ वीक्स के अंदर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इस स्मार्टफोन को इस बार मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट के साथ में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस लास्ट ईयर जो M52 5G स्मार्टफोन आया था उसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट देखने को मिला था, लेकिन इस बार सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का ये स्मार्टफोन मीडियाटेक की डायमेंसिटी चिपसेट के साथ में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज का ये कौन सा चिपसेट होगा उसके बारे में बात करेंगे आगे, साथ ही इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, इस स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च के बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं फोन के बिल्ट एंड डिजाइन के बारे में। सो गाइस फोन का बिल्ट आपको लास्ट ईयर वाले M52 5G स्मार्टफोन जैसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक रेंडर्ड इमेजेस सामने नहीं आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का जो बिल्ट एंड डिजाइन होगा वो लास्ट ईयर वाले M52 5G स्मार्टफोन जैसा ही होगा, जिसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। फ्रंट डिजाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टॉप सेंटर में कैमरे का कटआउट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर बात करते हैं हम कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस वाला कैमरा देखने को मिलेगा। अगर सेकेंडरी कैमरास की बात करें तो अभी तक सेकेंडरी कैमरास के बारे में कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 25 वोल्ट के चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। देखना यह होगा कि सैमसंग इस स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स 25 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है या नहीं। इसलिए सैमसंग ने जितने भी मिड रेंज कैटेगरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए, जैसे सैमसंग की ए सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी हमें 15 वोल्ट का ही चार्जर बॉक्स में देखने को मिला, जबकि फोन 25 वोल्ट के चार्जर को सपोर्ट करता है। तो गाइस देखना यह होगा कि इस स्मार्टफोन में हमें 25 वोल्ट का चार्जर मिलता है या नहीं, या फिर हो सकता है कि सैमसंग के इस स्मार्टफोन से भी अब चार्जर हटा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर चांसेस है कि इस स्मार्टफोन में आपको बॉक्स में चार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन 25 वोल्ट का मिलता है या नहीं ये देखना होगा। ये तो तभी पता चलेगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो गाइस अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो लास्ट ईयर जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बार सैमसंग का ये स्मार्टफोन मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज का मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट के साथ में लॉन्च किया जाएगा, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और यहां पर ये जो चिपसेट है वो 5G चिपसेट है, इसका मतलब ये जो स्मार्टफोन होगा वो 5G स्मार्टफोन होगा। इसमें दो कॉर्टेक्स A78 कोर है, जिसे 2.4 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है, और जो बाकी की 6 कॉर्टेक्स A55 कोर है, जिन्हें 2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है। तो गाइस ये चिपसेट 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड चिपसेट है, जो काफी पावर एफिशिएंट होगा। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स वन यू आई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 पर रन करेगा। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम वाले वेरिएंट मिल जाएंगे और 8GB रैम वाले भी वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च की, तो गाइस इस स्मार्टफोन को अगले कुछ वीक्स के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च डेट अभी कंपनी की तरफ से कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ वीक्स के अंदर इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। प्राइस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसे 30,000 रुपीज की प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया था, और अभी वो स्मार्टफोन 24,999 रुपीज में अवेलेबल है। तो गाइस यहां पर चांसेस है कि सैमसंग गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफोन को भी सैमसंग 30,000 रुपीस के आसपास प्राइस में लॉन्च कर सकती है। तो कंपनी की तरफ से भी प्राइस कंफर्म नहीं है। इन फ्यूचर इस स्मार्टफोन की लॉन्च या फिर प्राइस को लेकर कोई भी डिटेल्स आती है तो आपको उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।